हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। यूट्यूब ने यूएस के बाहर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी को टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए एक ईमेल भेजा है। इसके साथ साथ अगर आप अपना यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन करेंगे तो वहां भी आपको ये मैसेज दिख जाएगा, और अगर आप एडसेंस अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वहां भी आपको ये मैसेज दिखेगा। ठीक है, तो लोगों के बीच इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, और इसमें जो टैक्स की बात हो रही है वो 24% यानी कि 24% का है। ठीक है, तो लोगों के बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं कि क्या अगली बार से हमारा पेमेंट 24% कट के आएगा अगर हम टैक्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो, या फिर अगर हम टैक्स इन्फॉर्मेशन ना दें तो हमारा हो सकता है टैक्स ना कटे, या फिर हम क्या करें कि हमारा टैक्स ना कटे, और टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का सही तरीका क्या है, बेस्ट वे क्या है। आज हम इसके बारे में भी कंप्लीट स्टेप दिखा करके आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सही से सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन सही फिल कैसे करेंगे। इसके लिए हम मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, टैक्स इन्फो फिल करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट 24% कट करके आएगा। ठीक है, तो देखिए ये पेज ओपन हो गया है, नो टैक्स इन्फो ऑन फाइल। ठीक है, तो ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, एक हमारा लॉगिन करने के लिए ये पॉपअप ओपन हो गया है, तो हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो गया है। देन यहां पर पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अजहर साबरी, आप इस पर भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहां पर देख लीजिए कि एन इंडिविजुअल अकाउंट इज ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाई अ ह्यूमन, नॉट अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एक सिंगल व्यक्ति हैं, अगर एक सिंगल व्यक्ति एक चैनल को ऑपरेट कर रहा है तो वो इंडिविजुअल चूज करेगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए नॉन इंडिविजुअल या एंटिटी होगा। तो मैं चूंकि सिंगल हूं, मैं अकेला चैनल मैनेज करता हूं, तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। देन नीचे आ जाइए, देखिए पूछ रहे कि आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आप यूएस के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं। नहीं पर क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा कि सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। यहां पर बोल रहा है कि W8 BEN, ये जो फॉर्म है ये कॉमनली नॉन US लोगों के लिए, जो इंडिविजुअल है, जो अकेला व्यक्ति है, मैनेज करता है, US का रहने वाला नहीं है, उसके लिए ये ऑप्शन होगा। और ये जो दूसरा ऑप्शन है W8 ECI, ये नॉन US बिजनेस एंटिटी, यानी कि वो लोग जो यूएस के नहीं हैं और एक बिजनेस की तरह अपने चैनल को यूज करते हैं, एक कंपनी के द्वारा उस चैनल को ऑपरेट किया जाता है। तो चूंकि मैं सिंगल हूं, इंडिविजुअल हूं, तो इसीलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन स्टार्ट W8 BEN फॉर्म पर क्लिक करूंगा। तो देखिए अगला स्टेप लोड हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो टैक्स लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ यूएस से आए हमारे चैनल पर ऑडियंस से हुए अर्निंग पर लगेगा, ना कि हमारे इंडिया या फिर पाकिस्तान का चैनल है तो पाकिस्तान के द्वारा आए व्यूज और वहां के अर्निंग पर, या फिर बांग्लादेश का अगर किसी का चैनल है तो वहां के लोगों के द्वारा आए व्यूज से अर्निंग पर बिल्कुल भी 24% का टैक्स नहीं लगेगा। बल्कि जो यूएस के ऑडियंस है, जो आपके चैनल पर आकर के वीडियोज देखते हैं और उस व्यूज से जो आपको अर्निंग होता है, उसी अर्निंग का 24% काटने की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको नेम ऑफ इंडिविजुअल टाइप करना है। अब चूंकि मैं अजहर साबरी, मेरा नाम है, तो मैंने अपना नाम टाइप किया है, आपका जो होगा आपके केस में आप टाइप करेंगे। दूसरा, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। देन यहां पर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि टिन नंबर। इंडिया में टिन नंबर लोगों के लिए नहीं होता है, हमारे और आपके लिए टिन नंबर नहीं होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको लेकर के लोगों के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि फॉरेन टिन नंबर हम क्या करेंगे। अब देखिए, ये जो फॉरेन टिन लिखा हुआ है ना, ये यूट्यूब के लिए हम लोग फॉरेन है, क्योंकि मैं इंडिया का हूं, अगर कोई पाकिस्तान का यूट्यूबर है तो पाकिस्तान का है, और यूएस के लिए फॉरेन है चूंकि यूट्यूब जो कंपनी है वो यूएस की है और यूएस के हिसाब से हम लोग फॉरेन है। ठीक है, तो फॉरेन टिन का मतलब यह हो गया कि अगर मैं इंडिया का हूं तो इंडिया का पैन नंबर। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान में पैन नंबर के जगह पे कुछ और होता होगा तो वहां पे वो लगेगा। अगर बांग्लादेश में हमारे यहाँ पे जैसा पैन है वहां पे कुछ और होगा तो वहां पर वो चीज लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटर कर लेते हैं। देन ये बोल रहे हैं कि US ITIN और SSN,
तो इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो एड्रेस में जो है हम यहाँ पर फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज अ पीओ बॉक्स इन केयर ऑफ एड्रेस, यू विल बी रिक्वायर्ड सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। तो हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपना फिल करेंगे कंप्लीट जो हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट एड्रेस फिल कर लिया है, देन हम यहाँ पर टिक कर देंगे पोस्टल एड्रेस इज सेम एज अ परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि टैक्स ट्रीटी, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी ये होता है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ हमारे देश का क्या समझौता हुआ है टैक्स को लेकर के, और क्या हमें उसमें छूट मिलने वाला है, उस छूट को लेकर के हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस और नो में, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर पूछ रहा है कि रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, इस पर हम टिक करेंगे, देन हम यहां से अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन पे। तो देखिए यहां पे तीन ऑप्शंस है हमारे पास में, पहला है सर्विसेज एडसेंस, दूसरा है मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब गूगल प्ले, तीसरा है अदर कॉपीराइट यूट्यूब और गूगल प्ले। तो इन तीनों को हम बारी बारी से जो है क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एडसेंस पर क्लिक करते हैं, देन हम यहां पर क्लिक करके आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, देन विद होल्डिंग रेट इसे हम 0 रिड्यूस्ड रेट सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम इस पर भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। रीजन अजहर साबरी मीट्स द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर्टिकल, और इसको आप पढ़ेंगे तो हमारे देश और यूएस के साथ जो टैक्स को लेकर के छूट का जो एक एग्रीमेंट रहा होगा उसी के बारे में इसमें जिक्र है। नीचे आ जाइए मोशन पिक्चर्स एंड टीवी पे, यहां पर भी हम क्लिक करके आर्टिकल 12 एंड ग्राफ 2A2 सिलेक्ट करेंगे, देन यहां पर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। 30% डिफॉल्ट रेट है, लेकिन हम इसे 15% रिड्यूस्ड रेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इस केस में हमारा अगर टैक्स कटेगा भी तो वो 15% कटेगा, ठीक है। देन हम इसे भी टिक कर देंगे। नीचे आ जाएंगे अदर कॉपीराइट, अगर आप किसी का कॉपीराइट कंटेंट अपने YouTube चैनल में यूज़ करते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं करते हैं तो ना कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो कुछ ना कुछ आप किसी का यूज़ करते ही होंगे। तो देन हम यहाँ पर भी इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर विद होल्डिंग रेट 15% इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसे भी चेक कर देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये तीनों कॉलम को किस तरह से फिल करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो जो भी आपका ऑडियंस यूएस से आएगा उस ऑडियंस पर ही 15% टैक्स कटेगा, जैसा कि आपने यहां पर ऑप्शन में सिलेक्ट किया है। और चूंकि हमारे कंट्री और यूएस के साथ में ये एक तरह से टैक्स में छूट है और उसका फायदा हमें मिलेगा, जो कि 24% के जगह पे हमारा 15% कटेगा टैक्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूएस के ऑडियंस के द्वारा अर्निंग पर, ना कि हमारे देश में जो लोगों ने व्यूज आए हैं उससे, और उससे जो हमारा अर्निंग हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं कटने जा रहा है यूएस में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन टैक्स ट्रीटी का दिखा दे रहा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसे बाद में मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे। देन डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, आप इस पर क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल आपने जो फिल किया है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है जो हमने फिल किया है। देन हम आई कन्फर्म दैट आई हैव व्यूड एंड जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट ट्रू एंड करेक्ट, मतलब ये एक बार आपको कन्फर्मेशन देना होता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो हमारे नॉलेज के हिसाब से सही है, करेक्ट है, कम्प्लीट है, इसे चेक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशन, यहाँ पर पूछ रहा है योर सिग्नेचर यानी कि फुल लीगल नेम, तो यहाँ पर अपना पूरा नाम टाइप कर देंगे। देन यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन, यानी कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने इस सारे इन्फॉर्मेशन को फिल किया है और ये मेरा सिग्नेचर है और मैंने अपने खुद के चैनल के लिए खुद से अप्लाई किया है। देन हम इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट, ये एक तरह का एफिडेविट टाइप का है। यहाँ पर पूछ रहा है कि हैज द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गुड्स विद द यूएस, इसे हम नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन हम इसे भी टिक कर देंगे। अब आते हैं स्टेटस चेंज एफिडेविट पे, यहाँ पर कह रहा है कि आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल,
तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स, यानी कि हमारे पास वैसा अकाउंट्स है जहां से हमने अब तक कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है गूगल एडसेंस से, उसके लिए हम ऊपर वाले पहले पे क्लिक करेंगे। और अगर हमारे पास वैसा एडसेंस अकाउंट जिसमें हमें पहले भी पेमेंट आ चुका है, उस केस में हम दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, देन हम इसे भी चेक कर देंगे। और यहां पर हमें कुछ टाइप नहीं करना है, सीधे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे ईमेल पर भी कंफर्मेशन आ जाता है अप्रूवल का। देखिए ये दिखा रहा है अप्रूव्ड, यानी कि हमने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट किया है वो अप्रूव हो गया है। ये देखिए हमने क्या क्या क्लेम किया है, ये भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि आपने क्या फिल किया है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ नॉन यूएस एक्टिविटीज़ एफिडेविट और अनचेंज्ड स्टेटस, आप यहां से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ सही तरीका टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका जब भी पेमेंट आएगा और जब से ये टैक्स वाला रूल लागू होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर जो यूएस से ऑडियंस आते हैं और उससे जो अर्निंग होता है, उसका 15% ही कट करके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ना कि 24% और ना ही टोटल अर्निंग का 24%, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूएस के व्यूअर्स के द्वारा अर्निंग का 15% ही कट करके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब बाद में अगर आप चाहें कि हम इस इंफॉर्मेशन को चेंज करें, मॉडिफाई करें या कुछ अपडेट करें, तो इसके लिए आप सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक करके दोबारा से आप न्यू फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और सेम वही सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जिस स्टेप्स को मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट से सीधे सीधे 24% काट करके आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा YouTube। ठीक है, तो अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए सहूलत ये हो जाएगा कि आपका जो 24% डायरेक्टली कट जाता, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के ऑडियंस से जो अर्निंग होगा उसका 15% ही कटेगा, ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ना करें ये सोच करके कि हम नहीं फिल करेंगे तो हमारा अर्निंग में कोई कटौती नहीं होगा जब भी ये लागू होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये YouTube है और ये US का कानून है, तो आप उनके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, हम अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं चल सकते। तो बस यही है टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करने और इसको लेकर के सारे कन्फ्यूजन का एक तरह से आंसर, और टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कैसे करें उसका सही तरीका आपने स्टेप बाय स्टेप देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और टेक स्टूडियो के साथ बने रहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।